वो आपने ना लाइन सुनी होंगी, ताजमहल बनवा के देंगे, फलक तक चल साथ मेरे, रास्ते में जुगनू बिछा दूंगा, चांद तोड़ के जमीन पर ले आऊंगा। बड़ी रोमांटिक बातें, अच्छी बातें, लेकिन ये कि अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखें तो कहीं पर डंडी तो मार लेते हैं लोग। ठीक है, मार लेते, लेकिन किरण फिर भी जो पाकिस्तानी मर्द है ना, ये बीवी से मोहब्बत में सबसे आगे हैं। यानी सिर्फ कहते नहीं है कि चांद तोड़ कर ले आऊंगा, चांद का टुकड़ा ले आऊंगा, वो लेकर आ जाते हैं। रावलपिंडी का नौजवान है और बीवी के लिए किरण इन्होंने चांद पर वाकई प्लॉट खरीद लिया है। क्या बात है। एग्जैक्टली, इन्होंने पूरा, इनके पास अब उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इस नौजवान ने बीवी को जब शादी का तोहफा देने के लिए चांद पर 1 एकड़ का ये रकबा खरीदा है, तो जाहिर है उस पर बीवी तो उनकी खुश होंगी, हो चुकी है, लेकिन पूरे पूरी कॉम सोच रही है कि ये हुआ कैसे, और अगर आपने करना हो तो कैसे करें। तो हमें ज्वाइन किया है इस ब्यूटीफुल कपल ने, वी हैव सुहेब एंड मदीहा विद अस। गुड मॉर्निंग कहेंगे, मॉर्निंग कहेंगे आप दोनों को, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इन योर शो। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। मदीहा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कितना अच्छा लगता है कि आप वाहिद खातून हैं कि जिन्होंने ये जुमला सिर्फ सुना नहीं है अपने हस्बैंड से कि चांद तोड़ कर ला दूंगा, आपके हस्बैंड ने तो आपको लाकर दे दिया। जी सर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अमेजिंग हस्बैंड दिए हैं। ये वाकई मेरे लिए चांद खरीद दिया है। अच्छा, ये आपने इनसे पूछा नहीं कि ये प्लॉट तो ले लिया, बनवा के कब दोगे? जी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा 2024 तक तो सारे यानी के बिजी है ना। ओके, जस्ट चांद पर जाने के लिए ठीक है, तो उसके बाद होगा। ये पूछना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे। सुहेब, प्लीज बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि मैं वाकई ये कर देता हूँ। तो आपने किससे कांटेक्ट किया, कितने पैसे खर्च किए, फिर आपको ये एकड़, 1 एकड़ का रकबा मिला? जी एक्चुअली चांद तारों के वादे तो पहले कर लिए थे, लेकिन ये आइडिया उस टाइम आया कि अब पूरे कैसे किए जाएंगे। तो ये एक्टर थे सुशांत सिंह, उनकी डेथ हुई, तो उनके बाद एक्चुअली वो एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा इन थे, तो उसके बाद उनकी एक न्यूज़ चली कि ये सुशांत सिंह का चांद के ऊपर प्लॉट है। तो उसके बाद मैंने उनका इंस्टाग्राम खोला, उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट किया था माई पीस ऑफ लैंड ऑन मून, लेकिन उन्होंने कोई कंपनी का नेम वगैरह नहीं लिखा हुआ था ये। तो फिर अचानक से उस कंपनी ने कुछ ग्रीफ नोट लिखा था सुशांत सिंह के बारे में, तो अचानक से गूगल पे मेरे वो सामने आ गया। तो फिर मैंने उस कंपनी में खोला और फिर मैंने उस कंपनी से कांटेक्ट किया, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और इस तरह से शाहरुख खान की भी वहाँ लैंड है, रोनाल्डो की भी है, और US के कुछ प्रेसिडेंट्स हैं, वो कंपनी क्लेम करती है कि उनकी भी लैंड है। तो फिर मैंने वहीं से एक कॉलोनी सिलेक्ट करके और इनके लिए चांद, एक कॉलोनी सिलेक्ट की, यानी वहाँ पे कॉलोनीज भी हैं, वहाँ पे सारी मार्किंग हुई भी है। जी वहाँ पे सारी कॉलोनीज हैं, लाइक सुशांत सिंह जो है उनका प्लॉट है सी ऑफ मस्कोवी, एक कॉलोनी है। ओके, और आपका प्लॉट किस कॉलोनी में है? उसकी प्राइसेस थोड़ी ज्यादा है। और शाहरुख खान जो है उनकी है कॉलोनी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और हमारी कॉलोनी का नाम है सी ऑफ वेपर्स। ओके, और इसके अलावा भी हैं लेक ऑफ रेनबो, लेक ऑफ रेन, बहुत सारी कॉलोनी हैं। नाम तो सारे के सारे खूबसूरत हैं। उनकी मार्केटिंग भी किरण इस तरह तो नहीं होती? किस तरह होती है? मार्स के करीब या फलाने के करीब, यहाँ तो ये होता है एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव पर कॉर्नर प्लॉट, बेहतरीन कब्जा, जल्द इंस्टॉलमेंट दीजिए। तो वहां पर क्या मामला होता है ये इसका मार्केटिंग का? मार्केटिंग का कोई मार्केटिंग नहीं है, सोशल मीडिया पर आपका शौक है, इंतहाई शौक है कि बस आपको आपको चांद जो है ना, अपने चांद के लिए आपको चांद चाहिए। अच्छा, जरा मुझे अब जरा ये भी बताइएगा। तो मैंने उनके लिए बस खरीद लिया है। और क्या बात है। और दूसरा ये एक अच्छा फ्यूचर बिजनेस भी है कि इस वेबसाइट पर हर कॉलोनी के हिसाब से प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं। अच्छा। तो आप किसी भी टाइम अपना प्लॉट सेल करके अगर उस सोसाइटी की प्राइसेस हाई हो गई हैं तो उसे आप सेल कर सकते हैं और आपको कुछ प्रॉफिट होता है, और आप अगले महीने सेल भी कर सकते हैं। लेकिन है कितने का ये नहीं बता रहे किरण? नहीं नहीं रुक जाए मदिया, देखे अगर उसका प्राइस ऊपर जाएगा सेल भी कर देंगे और जगह पर ले लेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि मैं आपको दो प्लॉट ले दूंगा। प्राइस फिक्स्ड है?
नहीं, बार्गेनिंग का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, प्राइसेस फिक्स हैं। आप ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं, सिंपली वहाँ कॉलोनीज के हिसाब से और उसकी लोकेलिटी के हिसाब से प्राइसेस डिफरेंट है। आपका ये प्लॉट, इस कॉलोनी का ये प्लॉट कितने का है? सारी हाँ जी, ये $45 में पड़ा है मुझे। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स यूएसए से, जो उन्होंने मुझे यूएसपीएस यूएस पोस्टल सर्विस के थ्रू मुझे घर डॉक्यूमेंट्स भिजवाए और सारी सर्विस चार्जेस मिला के, एक बात समझ में आई सुहेल, ये मुझे पड़ा ये $45 से $150 तक ये इसकी प्राइस रेंज है। ठीक है, लेकिन ये बताएंगे ये जो उन्होंने लोकेट किया है इसको, बड़ी ऐसे आड़ी तिरछी सी लाइंस हैं, कोई प्रॉपर स्क्वायर शेप प्लॉट नहीं है, ये क्यों? जमीन पे तो अगर आप प्लॉट ले तो आप पूरा गूगल खोल के और सारे दोस्तों को दिखाते हैं, ये देखो ये रही हमारी जमीन, चांद के लिए क्या है। एक्चुअली आप देखें जहाँ पे इसके डिमार्केशन की गई हैं उसके साथ फिगर्स लिखी हुई हैं। तो जैसे एक मैगजीन ने अभी आर्टिकल लिखा था, उन्होंने पूरा सुशांत सिंह के बारे में लिखा है कि उसके पास एक टेलीस्कोप थी जिसमें ये वाली फिगर्स अगर हम पुट करें तो हम अगर मौसम साफ हो तो अपना प्लॉट उस टेलीस्कोप से देख सकते हैं, ये फिगर्स पुट करने के बाद। आप मुझे बताइए वैसे डिमार्केशन नजर आएंगे चांद में। तो ये सारी की सारी खरीदो फरोख्त जो है वो ऑनलाइन हुई है और वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। 5 acres तक हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके ज्यादा करनी हो तो फिर वो खुद विजिट करना पड़ता है ऑफिस तक। गुड। अच्छा मधिया, अब मुझे जरा आप बताइए, जमीन पर है वो ऑफिस जमीन पर है। मधिया मुझे आप बताएं कि आपने भी डेफिनेटली सोशल मीडिया पर या जनरली इन योर सर्कल आपने बताया होगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चांद का टुकड़ा खरीदा है, तो उस पर आपकी सहेलियों का आपके सर्कल का रिस्पॉन्स क्या आया? पहले तो सबको मजाक लगा, लेकिन फिर ऐसा ऐसा जब मैंने डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए कि नहीं ऐसा ऐसा होता है, उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने कहा वाकई यार ये तो सच है। तो वैसे उन्होंने कहा सच में चांद खरीद लिया है। किसी ने आपसे कहा कि मैं भी अपने हस्बैंड से कहूंगी कि मुझे भी दिलवाओ और जरा नेबरहुड का ही चाहिए? ओके जी, मेरी एक फ्रेंड की शादी होनी है तो उसने कहा कि मैं अपने हस्बैंड से फियांसी से जरूर कहूंगी कि मुझे मुंह दिखाई में ना स्पेशल गिफ्ट मेरा यही दे। क्या बात है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता तो किरण पूरा चांद बिक जाना है। ये आपको तो बड़ा आसान लगा होगा वैसे लोगों को बताना, चांद के साथ एक सेल्फी ली, इसमें मेरा घर है, खत्म बात। सेल्फी विद माय बताना तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। शाम को चांद देख कर कुछ अपना अपना फील होता है। चांद बहुत प्यारा लगता है अब, और अच्छा लगने लग गया, पहले दूर से सुन जी अपना अपना लगने लग अपना अपना लगने। जो अपने से साथ बैठे हैं ये रियल लाइफ हस्बैंड कैसे हैं? चांद का टुकड़ा तो खरीद दिया $45 में, वहां भी आप जा नहीं सकते, लेकिन रियल लाइफ हस्बैंड कैसे हैं? इतना ही प्यार करते हैं, जो चीज आप कहती हैं वो फौरन मिल जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने बगैर कहे मेरे लिए चांद खरीद दिया। तो जमीन तो खैर जमीन की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे लिए ना खरीद सके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। जमीन वाला भी कोई प्लॉट दिया वैसे आपको या मून पे रखा हुआ है? वो भी लिया हुआ है। चले पूछना नहीं बनता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो बात वहीं की वहीं रह गई। अगर आप लोग बताना चाहें तो वो घर का कुछ आप लोगों ने प्लान किया किस तरह का होना चाहिए? भाई चांद पर है तो चांद के हिसाब से बनना चाहिए, क्या ख्याल है? ये अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स में देखें तो एक ल्यूनर सेटलमेंट इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं रिसर्च चल रही है कि हम लोग यहाँ पे क्या मटेरियल यूज़ करेंगे और ये 2030 या 40 तक उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा उनके नासा के साथ कोलैबोरेशन है कि जब लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो जो लोग ल्यूनर लैंड होल्डर होंगे उनको वो प्रेफरेंस देंगे स्पेस में जाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम लोग भी जब अप्लाई करने का टाइम आएगा हम जरूर करेंगे। यानी आपका शौक है स्पेस में जाना, आप दोनों का शौक है कि आप मून पर इन एक्चुअल जाएं? या बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सुहेब एंड थैंक यू मधिया, बहुत आपसे बात करके हमें लगा। और ये अभी जो जिन्होंने हमारा शो देखा है स्पेशली ख्वातीन और स्पेशली न्यूली वेडेड, वो डेफिनेटली ये बात करेंगे कि हमें भी अब यही चाहिए, भाई चांद का एक टुकड़ा चाहिए। भाई आप लोग पहुंच जाएंगे, वो अम्मी का क्या होगा, मायका ससुराल का क्या होगा, उनके लिए भी एक प्लॉट वहां बुक करा देंगे। कितनी सुविधा देती है आपने।